नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिनिक्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इतिहास के दो वीडियोस आपको देखे। दो वीडियो में हमने जो जो कवर किया, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आधुनिक भारत में हमने उत्तर मुगल काल जो स्टार्ट किया था, तो हमने दोस्तों वहां पे उत्तर मुगल काल में 11 सम्राटों को पढ़ना है, 11 शासकों को पढ़ना है, और जिसमें से हमने आठ, उन दो वीडियोस में हमने आठ शासकों को कंप्लीट करना कर लिया है, ठीक है ना। तो उन आठ शासकों से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, उन क्वेश्चनों को हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ लिया है। अब हमारे पास बचे हैं बाकी तीन, तो इन तीनों के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसके पहले आपको बता दें, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को, उन दोनों वीडियोस को जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उसको क्या दोनों वीडियो देख सकते हो, जहां पे आपको हिस्ट्री बाय अंकुश सर के फोल्डर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर भी करना शुरू करो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, पहले हम 5 मिनट का आपका समय लेंगे, जिसमें हमसे क्विक रिवीजन आपको बता दें, अगर आप लोग वीडियो में नए हो तो हमने क्या क्या पढ़ा रखा है, तो वो चीजें हम क्विक रिवीजन पे आपको हम समझा सकते हैं कि 5 मिनट में हम, आप 5 मिनट का समय लेंगे, 5 से भी और कम ही समय लेंगे, तो जिसमें आप बस क्या करिएगा, जो हमने पढ़ाया तो वो सुन लीजिए, उसके बाद आप वीडियो पे जाकर के देख सकते हो जाके। पहले इसको देखिए, इसको और शुरू से अंत तक देखना, जो आपके इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी, सीडीएस, एनडीए और आपके एनटीपीसी, रेलवे के जो एग्जाम है और स्टेट एग्जाम, पुलिस एग्जाम, जितने भी सारे, अभी बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ और पुलिस का एग्जाम होने वाला है, अभी उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी एग्जामों से बेहद इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आपके आधुनिक भारत में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हमने क्या क्या बताया था, हमने आपको बता दिया था कि उत्तर मुगल काल में 11 शासकों को, तो औरंगजेब की हमने हत्या हो चुकी थी 1707 में, उसके बाद उसका बेटा जो आया था बहादुर शाह प्रथम आया, जिसको हम मुअज्जम शाह बेखबर और शाह आलम द्वितीय के नाम से जानते हैं, शाह आलम फर्स्ट के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद हमने कहा था, उसके बाद आया उसका बेटा कौन, जहांदार शाह, जिसको हम लंपट मुरख के नाम से जानते थे, जिसने हमने कहा था कि वजीर का पद जुल्फिकार खां और अपने एक महिला थी लाल कुमारी नाम की महिला, इनको क्या रखा था अपने, मतलब कि साम्राज्य में, अपने शासन में हस्तक्षेप का पूरा कारबार दे रखा था। फिर उसके बाद फारूक सियर आया, जिसको हमने घृणित कायर के नाम से जानते थे, क्या कहते थे, घृणित कायर। और हमने कल ही आपके वीडियो में हमने आपको इसमें बताया था कि जान सुरमन नाम का एक अंग्रेज यात्री आया था और उसके साथ हैमिल्टन ने इसके फोड़े से पीड़ित था, और हैमिल्टन ने, सर्जन जो थे हैमिल्टन ने, इसका क्या किया था, इलाज किया था, फरमान जारी करवाया था। फिर उसके बाद हमने कहा, उनका टाइम पीरियड भी बताया था कि बहादुर शाह प्रथम जो आया 1707 से 1712 आया, फिर 12 से 13 जहांदार शाह आया, जहांदार शाह के बाद फारूक सियर आया, और फारूक सियर जो बैठा वो 1713 से लेकर के 1719 में बैठा, ये भी बता दिया था। फिर कल हमने आपसे बताया मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के बारे में, तो मोहम्मद शाह रंगीला हमने कहा था ये थोड़ा टाइम पीरियड इनका क्या रहा है, लंबा रहा, जिसमें हमने कहा था कि ये आपके क्या थे, जिसको रंगीला बादशाह और इन्हीं को एक और नाम बोलते थे रोशन अख्तर, रोशन अख्तर के नाम से जानते थे। इसमें हमने कहा नादिर शाह का आक्रमण करवाया था 1739 में, 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने भी इस पे आक्रमण किया था, यह भी हमने आपको बताया था। नादिर शाह को हमने कहा था कहां का रहने वाला, वो क्या क्या लेके गया था, उसको कौन से नाम से कहते थे। फिर नादिर शाह का एक सेनापति था, उसका भी नाम हमने बताया अब्दाली, अब्दाली ने भी आक्रमण किया था, अब्दाली के बारे में बताया था, फिर अब्दाली अभी और करेगा जाके आक्रमण। तो इन सभी चीजों को हमने क्या कर रखा था, पूरी तरह से डिटेल में चर्चा कर ली थी कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में, आपको देख लेना जाकर के, आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो चलो आज हम आगे बात कर लेते हैं, आज आपको हम आगे बात करेंगे, आगे आपके कौन है आपको मालूम है, हमने आपको अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपको मालूम होगा वीडियो में आज कौन सा, अब इसके बाद कौन? फिर हमने उसमें मोहम्मद शाह 48 के बाद हमने कहा था आपके आ चुके थे कौन, अहमद शाह 48 से 54, इनके समय में यार वैसे कुछ भी नहीं हुआ था, इनके समय में कुछ भी नहीं रहा, ना एग्जाम में पूछा गया ना कुछ है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड के समय पे एक घटना हुई थी जो हमने कहा था 1757 में, प्लासी का युद्ध, प्लासी का
युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था, क्लासिकल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, इन्हीं के समय पे एक आपको बताया नहीं था, इन्हीं के समय पे आपको बता दो 1756 में हुआ था एक ब्लैक होल घटना हुई थी, ठीक है ना। इन्हीं के समय पे ये सब हम तब पढ़ाएंगे, अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी यूरोपीय कंपनियां आएंगी, अंग्रेज और बंगाल के समय हम आपको पूरी तरह से सारी बातें बताएं, क्योंकि अभी हम इसको पढ़ाएंगे तो अभी इसके बाद फिर 1757 प्लासी युद्ध बताएं, प्लासी के बाद फिर हम पूरी तरह से बेदरा बताएं, फिर बेदरा के बाद हम बांडीवास बताएं। तो यार सभी चीजें क्या ना बहुत डिटेल में है, इनके बारे में बहुत अंदर है, तो हम इन चीजों को अभी ना बता देंगे, हम आपको सन पीरियड आते रहेंगे तो हम आपसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम क्या करेंगे बताते रहेंगे, है ना। तो पूरी चीजें जब टॉपिक आएगा तो पूरी चीजें हम क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम देखो क्या है, इसके बाद आएंगे शाह आलम द्वितीय, हेडिंग क्या होगी आपकी नेक्स्ट जो आपका आएगा, ये थे आपके 9 नंबर के, ये कौन से नंबर के थे 9 नंबर के, शाह आलम द्वितीय। इनका टाइम पीरियड देखो थोड़ा सा इनका भी लंबा होगा, ये रहेंगे 1759 से लेकर 1806 ये भाई साहब काम करने आए। अब दिल्ली पे ये बन गए नेता, तो नेता इनका एक मूल नाम था, इनका एक क्वेश्चन पूछा था मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इनका जो था अली गौहर, इनको क्या कहते थे अली गौहर के नाम से जानते थे। अच्छा ये देखो हम अभी अली गौहर किसको कहते थे, शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम प्रथम कौन था, जो बहादुर शाह प्रथम था, जो मुअज्जम था, जो क्या था मुअज्जम था, जो शाह बेखबर था, समझ गए होगे ना। हाँ तो अब देखो कुछ उपनाम आपके हमने अभी बताए थे, लिस्ट इधर देखो हम एक साथ में फिर कंपाइल कर रहे, वो जरा समझ लेना। उपनाम उत्तर मुगल काल से उपनाम से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उपनाम आप जरूर याद रखना, इनके मूल नाम जरूर पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जरा देखना। कल हमने बताया था शाह आलम प्रथम, फिर से देख लो, बार बार हम बता रहे हैं आपको शाह आलम फर्स्ट, फिर उसके बाद शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर, एक जगह पे क्या करो पूरी लिस्ट तैयार कर लो, ये अभी पूरी लिस्ट तैयार करवा रहा हूं, शाह ए बेखबर, फिर इसको बोलते थे मुअज्जम, किस बादशाह को हम मुअज्जम के नाम से जानते थे, फिर किस बादशाह को हम लंपट मूरख के नाम, या ऐसे क्वेश्चन पूछाते लंपट मूरख को कहते थे, क्या कहते थे लंपट मूरख, किस बादशाह को लंपट मूरख, किस बादशाह को हम घृणित कायर कहते थे, किस बादशाह को घृणित कायर कहते थे, किस बा, अब आप बताते रहना, हम लिख रहे हैं आपको बताते रहना, नोट्स पे कमेंट में बताना भी जाके, घृणित कायर कहते थे, ये सब कमेंट बॉक्स पे बताना जाके, हम नहीं बताएंगे अब यार इन क्वेश्चन को, हमने बताया कमेंट बॉक्स पे जाकर के बताओ, किस बादशाह को घृणित कायर कहते थे, किस बादशाह को हम रंगीला बादशाह कहते थे, रंगीला बादशाह, किसको हम रंगीला बादशाह कहते थे, किसको हम रोशन अख्तर के नाम से जानते थे, रोशन अख्तर, सब बताएं हमने, किसको हम अली गौहर कहते थे, किसको हम जफर कहते थे, किस बादशाह को, इतने मूल नाम है आपके एग्जाम पे, और ये से बहुत पूछा था, ध्यान दो ये 3 नाम ऊपर के जो थे, ये बहादुर शाह फर्स्ट इसको कहते थे, बहादुर शाह प्रथम को 3 नाम थे, उसके सालम प्रथम शाह बेखबर मुअज्जम, लंपट मूरख जो कहते थे वो जहांदार शाह को कहते थे, किसको जहांदार शाह को कहते थे लंपट मूरख, फरुख सियर को कहते थे हम घृणित कायर, रंगीला बादशाह को कहते थे मोहम्मद शाह को, किसको मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह के नाम से, और रोशन अख्तर भी हम कहते थे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह से, और रोशन अख्तर, और जफर जो बुलाते थे वो बुलाते थे बहादुर शाह सेकंड को जो कहते थे वो जफर कहते थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में दिखते हैं, चलो ठीक है ना, इतने काम हो गए। अच्छा अब देखो क्या होगा, इसे समझते हैं, इसके समय पे घटनाएं क्या थी, इसके समय पे जो घटना थी सबसे पहली घटना जो थी 1759 में एक युद्ध हुआ बेदरा का,
बेदरा का युद्ध, क्वेश्चन आता है बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, बेदरा युद्ध समय मुगल बादशाह कौन था, तो यही शाह आलम सेकंड था। यह बेदरा का युद्ध हुआ किसके किसके इसका किसके किसके साथ हुआ था, तो यह बेदरा का जो युद्ध था वो था डचों एवं अंग्रेजों के मध्य, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य, जिसमें क्या होते डच पराजित हो गए थे और अंग्रेज क्या हो गए थे जीत गए थे। विजय परिणाम क्या रहा, ये पराजित हुए, ये क्या हुए जीत गए। फिर दूसरी घटना क्या हुई, 1760 में, 1760 में बांडीवास का युद्ध, 1760 में इसी के समय एक युद्ध हुआ बांडीवास का युद्ध। तो बांडीवास का युद्ध दोस्तों कब हुआ, 1760 में हुआ बांडीवास का युद्ध 1760 में। यह किसके किसके बीच हुआ, तो यह हुआ था फ्रांसीसियों, यह सब इसी समय की घटनाएं थी, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, किसके बीच फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों। परिणाम क्या रहा, परिणाम यह रहा कि ये विजित ये असफल हो गए और ये क्या अंग्रेज क्या हुए विजित हो गए। ये दो युद्ध आपको इंपोर्टेंट है याद रखना। फिर उसके बाद कौन सा, 1761, कल अभी हमने बताया था पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, यह हुआ था अब्दाली अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम कल बताया था दुर्रे दुर्रानी युग का मोती कहते थे, दुर्रे दुर्रानी युग का मोती किसको कहते थे, इसी अहमद शाह अब्दाली को। और यह किसके मराठाओं के मध्य, या किसके मध्य हुआ मराठाओं के मध्य हुआ। इसमें जीता कौन, अब्दाली, हारा कौन मराठा, बहुत अच्छी तरह से इनको हराया लूटा था। तो अब्दाली जीता मराठा हारा जिसको, अच्छा एक बताना यहां से क्वेश्चन, जैसे दुर्रे दुर्रानी बोला ना युग का मोती, तो जरा ये आपका होमवर्क है, ये HW होमवर्क जिसको कहते हो, तो होमवर्क में बताना नीति का पंडित किसको कहते हैं, नीति का पंडित किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति का पंडित किसको कहते हैं या आधुनिक पंडित किसको कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये बताना अब्दाली जीता और मराठा हार गए, इतना हो गया ना। तो याद रखना 1759 बेदरा युद्ध, 1759 बेदरा युद्ध जो डचों और अंग्रेजों पर डच पराजित हुए, 1760 में बांडीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेज क्या हुए विजित हुए, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जिसमें अब्दाली जीता और मराठा हारे, ठीक। अब उसके बाद देखो एक और युद्ध हुआ, इतना नोट कर लेना, एक और युद्ध हुआ, उस युद्ध को नाम देते, ये सब इसी शाह आलम सेकेंड जिसको अली गौहर के नाम से जानते हैं, इसके समय पे हुआ था। एक इंपॉर्टेंट है 1764, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, तो देखना बक्सर का युद्ध जो हुआ था त्रिगुट, त्रिगुट एवं अंग्रेजों के मध्य, त्रिगुट एवं अंग्रेजों के मध्य, जिसमें जीता कौन, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और त्रिगुट क्या हुआ पराजित हो गया, जिसमें अंग्रेज विजय हुए और त्रिगुट क्या हुए पराजित। अच्छा ये अब नाम आ रहा होगा त्रिगुट क्या थे, तो जरा इधर देखना त्रिगुट क्या थे। नंबर एक, त्रिगुट में शामिल कौन कौन था, त्रिगुट में शामिल कौन कौन था, तो देखो अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला शामिल था इसी युद्ध में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका बता दूं मुगल सम्राट, मुगल सम्राट यही भाई साहब अली गौहर, मुगल सम्राट अली गौहर ये भी शामिल थे इसी में, अली गौहर। यह क्वेश्चन है शाह आलम द्वितीय, और तीसरा कौन था, बंगाल का अपदस्थ नवाब, बंगाल का अपदस्थ, यानी कि इसको क्या अंग्रेजों ने हटा दिया था, तो बंगाल का अपदस्थ नवाब जो था उसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम। ये तीन लोग ये त्रिगुट थे, इन त्रिगुट ने मिलकर अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी क्या हुए ये हार गए, फिर भी ये क्या हुए ये हार गए, फिर भी इनको सफलता नहीं मिली। तो जैसे ही भैया इन्होंने लड़ाई लड़ी,
जैसे ये लड़ाई लड़ी और जैसे ये हारे तो वैसे ही एक वही डील, वैसे ही एक संधि, और वो संधि कहलाई कौन सी? इलाहाबाद की संधि। वो कौन सी कहलाई थी? इलाहाबाद की संधि। तो अब देखो वो इलाहाबाद की संधि कब होगी? तो देखो कब होगी, तो 1764 हो गया बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों से के साथ इन तीनों लोगों की हुई संधि, दो लोगों की संधि, जरा नाम देखते हैं। 1765, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई और किसके मध्य हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि के नाम से इसको बोलते 1700 इलाहाबाद की संधि। 1765 में किसके किसके मध्य? अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के मध्य, शाह आलम द्वितीय के मध्य। अब हम उसको इसको तब बताएंगे जब आपको अंग्रेज पढ़ाएंगे, इंग्लिश जब आपको सब पढ़ाएंगे, बंगाल के साथ संबंध पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हम आपको इतनी जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पे है वो सब बता रहे हैं आपको। इलाहाबाद जो इससे संबंधित घटनाएं है वो हम आपको सारी बता रहे हैं, जो आपकी घटना एग्जाम में पूछी जाती है वो सभी चीजों को हम बता देंगे, ठीक है ना। तो शाह आलम सिंह, अच्छा इस संधि में क्या हुआ था? शाह आलम को इसको इस संधि में क्या करना था? इसको क्या करना था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की प्रेसिडेंसी, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की प्रेसिडेंसी छोड़ देनी थी। और वो प्रेसिडेंसी अब कौन ले लेगा? अंग्रेज लोग ले लेंगे। वो प्रेसिडेंसी अब कौन करेगा शासन? अंग्रेज लोग करेंगे। कितने? 8 लाख रुपए वार्षिक कर देकर, वार्षिक कर देकर, मतलब इन तीन यानी बंगाल बिहार और उड़ीसा की प्रेसिडेंसी अब सालम द्वितीय के हाथ से चली गई। और जाने के बाद अब ये किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास। इन अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को इनके बदले क्या मांग दिया कि हम उनको 8 लाख रुपए वार्षिक कर देंगे और ये प्रेसिडेंसी क्या करो हमको दे दो। ये संधि में हुआ। दूसरा काम क्या हुआ 1765 में इनको दिल्ली से अपदस्त कर, इलाहाबाद का नवाब बनाया, इलाहाबाद का सम्राट बनाया, यानी कि इलाहाबाद की गद्दी इनको दी। किसको? इन्हीं को। यानी कि 1765 में दिल्ली के सम्राट नहीं रहे, अब ये कहां के हो गए? इलाहाबाद के। अब ये इलाहाबाद में बैठने लगे, दिल्ली का इनका क्या रहा? खाली रहा। अब देखो क्या होगा, 1765 में दिल्ली आ गए। अब देखो यही एक काम क्या होगा, फिर आएगा एक पेशवा और उस पेशवा क्या करेगा, इनको फिर से उठा करके कहां लेके जाएगा? दिल्ली लेके जाएगा। ये सब सालम द्वितीय की कहानी पढ़ रहे हैं। इनको फिर से उठाएगा इलाहाबाद से, उठा के कहां पटक देगा? दिल्ली में। कब? 1772 में मराठाओं ने शाह आलम को, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पर, शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लाया। कौन लाया? मराठाओं ने शाह आलम सेकेंड को इलाहाबाद से पुनः दिल्ली कौन लाया? मराठा लाए। अच्छा उस समय मराठा कौन, पेशवा कौन था? मराठा पेशवा कौन था जरा बताइएगा। मराठा पेशवा, मराठा में पूरा सीक्वेंस पढ़ाएंगे, फिर से आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। ये मराठा पेशवा कौन था उस टाइम पे, तो जरा देखो कौन था। भैया बात चल रही 72 की और 1761 में एक युद्ध हुआ था। अच्छा आपको दे रहे, यहां पे हम आपको बता रहे, माधव राव। उसका नाम क्या था? माधव राव। अब हम आपको एक चीज बताना, होमवर्क दे रहे हैं। 1761 में
जो युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें मराठा और अब्दाली के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? मराठा एवं अब्दाली के तो बीच में हुआ था। तो मराठा एवं अब्दाली के जो बीच में हुआ था उस समय मराठा पेशवा कौन था? 1700 में पानीपत के युद्ध में मराठा पेशवा कौन था? तो ये आपको बताना, ये कमेंट बॉक्स पे बताइएगा जाके, ये हम आपको बताएंगे जब आपको मराठा पढ़ाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि वहां सीक्वेंस चल रहा था, हम आपको पूरा इसी तरह से डिटेल बता देंगे आपको पूरे सन के। तो उस समय मराठा पेशवा कौन था ये बताना जाके कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई 1772 में मराठाओं ने यानी मराठा पेशवा माधवराव ने शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लाया, और ये किसके सहयोग से लाया था? तो उस समय ग्वालियर के एक मतलब कि मराठा सूबेदार थे, जिनका नाम था महादजी सिंधिया, इनके सहयोग से इनको पुनः लाया और इनको क्या रखा, अपना एक पेंशनर बना दिया, और उस पेंशन के रूप में तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, एक तो ये आता है कि किसको पुनः इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया, तो सालमबुती को लाया गया किसके द्वारा? मराठा पेशवा माधव राव के द्वारा। तो क्वेश्चन कहता है कि मराठाओं का पेंशनर, कौन मुगल सम्राट बना, तो आपको देखो यही एक सम्राट था जो क्या बना, मराठाओं का पेंशनर बना। तो ये एक सम्राट जो था ये मराठाओं का क्या बना, पेंशनर बना, इसको मराठाओं ने अपना पेंशनर नियुक्त कर दिया। क्लियर है ना? इतनी चीजें आपके पास क्या हो गई जाके इसके घटना में, इसके समय पे घटी। अच्छा और भी घटना घटी, तो क्या घटी, तो देखते हैं क्या घटी। तो और घटना जो घटी तो ये घटी, ये 1782 से लेकर 1785 ये घटना घटी। ये कौन सी घटना घटी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1782 से 85। तो याद रखना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम, किस मुगल सम्राट के समय में हुई? तो ये आपके सालम द्वितीय के समय पे हुई। ये जो आंग्ल मराठा युद्ध संधि हुई, इसके क्या हुई थी संधि, वो संधि जो हुई थी 1785 में सालबाई की संधि, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे सालबाई की संधि। हम आपको ज्यादा इधर उधर नहीं ले जाते, अभी हम टॉपिक पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम टॉपिक में ही चल रहे हैं आपके, जिससे आपके क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हम आपको इधर उधर नहीं घुमा के ले जा रहे हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो टॉपिक पे ही हम आपको नोट्स बना रहे हैं। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्वेश्चन आता है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, वो उस समय मराठा पेशवा कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको टॉपिक पे लेके चलेंगे, हम ज्यादा इधर नहीं घुमाएंगे, किसी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मराठा बताने लगे हम, इसलिए मराठा ज्यादा नहीं घुस रहे, मराठा हम पढ़ाएंगे, इसके बाद ही हम टॉपिक मराठा पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा हम आपको पहले इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ये पहले पता चले तो मराठा पढ़ाते वक्त आपको आसानी हो, है ना। तो इसलिए आपको याद रखना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से बंद हुआ। तो ये किसके समय पे हुआ था, 1782 से 1785 के मध्य हुआ, क्लियर है ना। फिर देखो क्वेश्चन क्या था, प्रथम आंग्ल मराठा के समय, चलो हम नहीं बताएंगे यार। अब देखो फिर एक बार दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1805, ये युद्ध भी किसके समय पे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी हुआ। ये कब हुआ, 1803 से लेकर 1805, और देखो 1806 तक सालम द्वितीय था, तो समय मुगल सम्राट कौन था, तो भाई साहब यही थे। और इनके समय पे सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध भी होगा, उस समय जो युद्ध में हुआ था तो दो हुई थी, एक देवगांव की संधि, दो संधियां हुई थी, एक हुई थी देवगांव की संधि और दूसरी हुई थी राजापुर की संधि,
एक देवताओं की संधि हुई थी, दूसरी हुई थी राजापुर की संधि, इसके तहत ये क्या हुई थी, युद्ध समापन हुआ। अच्छा अब देखो जरा, हमारा मन नहीं मान रहा, बताना यार। प्रथम अंग मराठा के समय पर, प्रथम अंग मराठा के समय गवर्नर कौन था, यानी कि अंग्रेज गवर्नर। तो इस समय अंग्रेज गवर्नर जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम अंग मराठा के समय वारेन हेस्टिंग्स और द्वितीय अंग मराठा के समय अंग्रेज गवर्नर जो था, अंग्रेज गवर्नर गवर्नर वो था लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ये आपका था द्वितीय अंग मराठा के समय पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, वो आपको बताएंगे, मराठा जब पढ़ाएंगे तो सारे संधियां पढ़ाएंगे, संधियों में क्या क्या हुआ वो सब आपको बताएंगे, है ना। इतना आप नोट करो पहले इसकी इंसान लेकर के, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या था। अब ये क्या हुआ भैया, मृत्यु हो जाएगी किसकी, इन्हीं भैया की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो मृत्यु कैसे होगी, 1806 में क्वेश्चन आया हुआ है, 1806 में गुलाम कादिर खान ने, किसने मृत्यु की थी, गुलाम कादिर खान ने शाह आलम की मृत्यु यानी हत्या, शाह आलम की हत्या किसने की, शाह आलम की हत्या की थी गुलाम कादिर खान ने, कब, 1806 में, हो गया ना। अब देखो ये तो हो गए, इनसे इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो हमने आपको बता दिए। अब देखो आगे आएंगे आपके कौन, अकबर द्वितीय, अकबर, अच्छा इनको अंग्रेजों ने पेंशनर बना लिया था, इनको क्या किया था, अंग्रेजों ने पेंशनर बना लिया था, ठीक है ना। तो अंग्रेजों के भी ये पेंशनर रहे। उसके बाद देखो क्या हुआ, अकबर द्वितीय आए तो अकबर द्वितीय बहुत परेशान हो गए अंग्रेजों से, अंग्रेजों से क्या हो गए, परेशान हो गए, बिछुद्ध हो गए। क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत सता रहे थे, इनको पेंशन ही नहीं दे रहे थे, जो पेंशन निर्धारित की थी उसमें भी कटौती मार रहे थे, फीसी जो इनकी फीस निर्धारित की थी, ये तुम्हारी फीस होगी, वो फीस दे ही नहीं रहे थे, इनसे हो गए परेशान। तो पहले अकबर द्वितीय लिख लेते, 10 नंबर के कौन है, अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड, टाइम पीरियड 1806 से 1837, बेचारे अपने आप में कुड़कुड़ के मर गए, क्या हुए, कुड़कुड़ के मर गए। इनका एक घटना आती है, जब इनको अंग्रेज लोग पेंशन नहीं दे रहे तो इन्होंने क्या किया, एक भारतीय को पकड़ा जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और उसका नाम था राजा राममोहन राय, जिन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो इनको पकड़ा और इनको कहां भेजा, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड भेजा, कि आप जाइए यार उनसे कुछ बताइए, पढ़े लिखो, कि आप उनसे कहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ में, क्या उसने मतलब कि बिगाड़ा है आप लोगों का, ठीक है ना। तो इनको भेजा कहां पे, इंग्लैंड, राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन यानी राममोहन राय को, राममोहन राय को। तो हम उनके गए वरिष्ठ राजा है, तो राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद इन्होंने ही क्या कहते हैं, अकबर इनको भेजा मतलब पैसे, लेकिन क्या रहा, मिशन अनसक्सेसफुल, असफल हो गया। तो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया, तो हुआ क्या, 1833 में ब्रिस्टले कहां, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की, आरआरएम की, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। कहां पे, 1833 में, कहां, ब्रिस्टले कहां, इंग्लैंड की राजधानी लंदन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। तो ये आपके क्या हो गए, यहां पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखो क्या हुआ, 1833 में हो गए। अब इसके बाद यही से इन्होंने क्या किया था, आर आर एम आर ने क्या किया था, 1828 में
ब्रह्म समाज की क्या की थी, या मैं को चौसर जब आप पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे पूरी चीजें, ब्रह्म समाज की स्थापना की, सामाजिक सुधार हम आपको बताएंगे, आपको उसमें सब चीजें जितनी भी इनकी सीरियल से चल रहे हैं आपको सारी चीजें, इतिहास क्या रहा हमारे भारतीयों का, इतिहास इन्होंने क्यों इतना योगदान किया, इसका क्या परिणाम मिला, वो सब चीजें हम आपको क्या करेंगे बिल्कुल चिके से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना, हमारे वीडियोस जो आते हैं उनको क्या करना, ध्यान से देखना है और नोट्स बनाने और उस पर लाइक करते रहना, अपने दोस्तों में इस वीक को क्या करना है फटाफट ज्यादा से ज्यादा क्या करना है शेयर करना है ना। यह चीज थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अब देखो भैया एक और आई, आखिरी अब पढ़ लेते हैं, यही आखिरी है, ये आखिरी करके गए। आखिरी का नाम क्या था, बहादुर शाह द्वितीय। आखिरी जो थे वो थे 11 नंबर के थे, उनका क्या नाम था, बहादुर शाह सेकंड। इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1837 से लेकर के 1857 या 58 ले लो, 1857 या 58 ले लो, ठीक है ना। क्रांति, आप देखो क्या होगा इनसे भाई साहब, से दो क्वेश्चंस क्या आता है वो जरा समझ लो। क्वेश्चन होता है कि अंतिम मुगल बादशाह इनका उपनाम क्या था, उपनाम था जफर। इनको जफर क्यों कहा जाता था, तो जफर इनको इसलिए कहा जाता था, इस जफर नाम से ये क्या किया करते हैं, ये जफर नाम से शेरो शायरी किया करते थे, तो इसलिए इनको जफर कहा गया, ये उनका उपनाम था। अब इनसे देखो क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक और आता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, यही भाई साहब थे बहादुर शाह जफर। इनके समय पे घटना हुई कौन सी, 1857 की महान क्रांति, 1857 की महान क्रांति, यह घटना किनके समय हुई, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यह जो महान क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया, दिल्ली से नेतृत्व किया, दिल्ली से नेतृत्व किया, 1857 की क्रांति में यह क्या किया, दिल्ली से नेतृत्व किया, और 1857 के समय दिल्ली में अंग्रेज नेतृत्वकारी कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है, पढ़े हो यार बताना यार, अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, अंग्रेज नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये आपको बताना होमवर्क पे है कि दिल्ली में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेज नायक कौन था, अंग्रेज हीरो कौन था, अंग्रेज लीडर कौन था, किसने 1857 की दिल्ली से कमान संभाली थी, अंग्रेज सेना नायक, ठीक, ये था दिल्ली से नेतृत्व किया। तो भाई साहब को 1858 में अंग्रेजों ने क्या किया, जब जीत लिया 1857 की क्रांति जीत लिया, तो 1858 में हुमायूं के महल से निकलवाया, हुमायूं के महल से उठवा लिया, हुमायूं के महल से इनको क्या किया, उठवा लिया और इनको भेज दिया रंगून। इनको कहां भेज दिया, पेंशन देके कहां भेज दिया, रंगून, जहां पे 1862 में, 1862 में क्या हो गई थी, जफर की मृत्यु, जफर की मृत्यु कहां हुई, रंगून में, कहां हुई, रंगून में। तो क्वेश्चन आता है जफर का मकबरा कहां है, तो मकबरा, मकबरा इनका मकबरा कहां है, तो इनका मकबरा भी कहां है, रंगून, मतलब कि म्यांमार, मतलब कि बर्मा, म्यांमार मतलब कि बर्मा में है, तो ये इनका क्या था वहां की, इनको इतनी चीजें आपको याद रखना, 1862 में भाई साहब की हो गई मृत्यु। अच्छा भाई साहब क्या था, बहुत दिलचस्प, मतलब शेरो शायरी उड़ाया करता था, बहुत तगड़ा शेर था। तो ये शेर, इसकी अंतिम जो शेर, एक तो इसके कब्र पे, इसकी कब्र पे, जैसे आप देखो रंगून से क्वेश्चन क्या है, रंगून से इसके कितने, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कितने मुगल बादशाहों का मकबरा कहां है भारत से बाहर, हमने कहा था आपको बाबर, सबसे पहले बाबर उठाते, उसका कहां है, काबुल में है, उसका कहां है, काबुल में, मकबरा हमने लिखा दिए थे, देख लेने जाके काबुल में, फिर जहांगीर का कहां है, लाहौर में, और ये जफर का कहां है, तीन बादशाहों का, मुगल बादशाहों का मकबरा भारत से बाहर है।
तो बाबर का काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर कहां? सिकंदरा। अकबर कहां है? सिकंदरा। उसके बाद आपके अकबर का बेटा जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, और औरंगजेब औरंगाबाद, और जफर, ये जफर पढ़ने में, ये आपका एग्जाम में आता है, जफर कहां? रंगून में। क्लियर है ना? इसके समय पे अंतिम शेर इसने लिखी थी। अंतिम देखो शेर क्या थी, अंतिम शेर बड़ी बढ़िया लिखी थी, मतलब कि इसकी अंतिम जो कृति थी इसकी, एक तो शेर इसकी अंतिम लिखी हुई थी, दूसरी इसकी एक कब्र पे लिखी हुई है शेर। कब्र पे क्या लिखी थी? कब्र पे लिखी थी कि बहुत बदनसीब था जफर, बहुत बदनसीब था जफर, जिसको दो गज जमीन ना मिली कूचे यार में। बड़ा बदनसीब था जफर, जिसको दो गज जमीन ना मिली कूचे यार में। ये वहां के मकबरे में इसकी अभी भी लिखी हुई शेर है। मतलब कि इतना बदनसीब था कि बंदा भारत में पढ़ा, भारत में लिखा, भारत में खेला, सब कुछ साम्राज्य बनाया भारत में, लेकिन इसको मृत्यु कहां हुई? मृत्यु म्यांमार में, रंगून में। और जिसको दो गज जमीन ना मिली कूचे यार में, जहां पे खेला पढ़ा लिखा बड़ा, वहां पे इसको दो गज जमीन तक ना मिली। ठीक है ना? तो ये आपकी इसकी मतलब कि इसकी शेर है जो कहां पे है, इसके कब्र पे है। दूसरा क्या है इसका, एक और से अंतिम कृति जो आती है, मतलब कि ना किसी की आंखों का नूर हूं ना दिल का करार हूं, मैं किसी के काम आ ना सका, मैं तो वो बुझता हुआ चिराग हूं। तो ये इसकी शायद अंतिम कृति थी। ये आपकी मतलब कि आप पढ़ोगे इतिहास में तो ये आपको वहां पे मिलेगी। तो दोस्तों ये आपका रहा आपका जो उत्तर मुगल काल जो आपका चला था 1707 से 1858 तक जो चला, यहां पे हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको क्या करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हम आपको आगे जो आपका टॉपिक होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको मराठा, क्योंकि इसके बाद आपका मराठा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ाएंगे तो पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर हम आपके आगे यूरोपीय कंपनियां वगैरह जो आएंगी वो हम सीक्वेंस आपके चलते रहेंगे, है ना? तो अब देख लेते हैं इसमें क्या था। इसमें अच्छा मुगलों से कुछ बात आती है लास्ट में, दो चार पॉइंट आते हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मुगलों में क्या होता था, मुगलों की जो एक थी प्रशासनिक जो थी उसकी मंत्रिपरिषद, मुगलों का क्या कहलाता था, मंत्रिपरिषद। मुगलों का वन लाइनर पॉइंट पे चलते हैं, मुगलों का मंत्रिपरिषद जो कहलाती थी वो कहलाती थी कौन सी, बिजारत। क्या कहलाती थी? बिजारत। बिजारत कहलाती थी मुगलों की, ये एग्जाम में आए हुए सारे पॉइंट हम आपको एग्जाम में आए हुए बता रहे हैं। बिजारत कहलाती थी, और बिजारत का सबसे प्रमुख पद, इस मंत्रिपरिषद का सबसे प्रमुख पद, सबसे मुख्य पद जो था वो था वजीर का। वो किसका था? वजीर का। क्लियर ना? इसी तरह जैसे पेशवाओं में आता है, छत्रपति शिवाजी के समय पे, छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, उसमें पेशवा का पद बहुत महत्वपूर्ण था, उसमें जो प्रधान पंथी कहलाता था वो क्या कहलाता था, पेशवा। क्लियर है ना? दूसरा काम क्या है, मुगलों की राजभाषा क्या थी, वो थी दोस्तों फारसी। वो कौन सी थी? फारसी। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है मुगलों का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुगलों का सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था, ये संसब कहलाता था। क्या कहलाता था? संसब। फिर एक आता मुगलों का सबसे बड़ा सिक्का और सबसे प्रचलित सिक्का, प्रचलित सिक्का वो क्या कराता था, ये कराता था इलाही। मुगलों का सबसे प्रचलित सिक्का क्या कहलाता था? इलाही। अच्छा इलाही से समझना, एक तो ये सिक्का था, एक ये इलाही धर्म था, एक इलाही धर्म था, एक इलाही सिक्का था, एक इलाही सिक्का था, और एक इलाही सम्मत था, एक इलाही सम्मत था। ये दो आपके इंपॉर्टेंट है इलाही शब्द से। तो इलाही धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे थे, इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 और इलाही सम्मत की शुरुआत हुई थी 1583।
इलाही संवत की शुरुआत हुई थी 1583 और इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 जो कि अकबर द्वारा चलवाई गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो इलाही सिक्का जो प्रचलित सिक्का था, इलाही जो धर्म था, तो 1582 में और संवत चला 1583 में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो मुगलों की कुछ चीजें थी, मुगलों की सेना का विभाजन था, तो मुगलों की सेना का जो विभाजन था वो कितने भागों में विभाजन था? मुगलों की सेना जो थी वो सेना का विभाजन चार भागों में हुआ। सेना का विभाजन क्वेश्चन पूछा गया ये, सेना का विभाजन कितने भागों में? चार भागों में। चार भागों में देखो कौन कौन से हुए। नंबर एक, चार भागों में सेना, एक घुड़सवार सेना क्वेश्चन आया हुआ है। कितने भागों में? घुड़सवार सेना आए हुए क्वेश्चन नहीं है, तभी हम बता रहे हैं आपको। एक थी कौन सी? पैदल सेना। पैदल सेना एक थी आपकी हाथी सेना, हाथी सेना, और एक थी आपकी तोप सेना, तोप सेना। इसी तरह एक पूछा था मराठाओं की सेना कितने भागों में बटी थी? मराठाओं की सेना, तो मराठाओं की सेना जो थी वो तीन भागों में बटी थी, वो आपको बताएंगे। पागा सेना, सिकलाईदार सेना और आपकी पैदल सेना। तीन भागों में कौन कौन सी थी? पागा सेना, पागा सेना, सिलाईदार सेना और एक थी पैदल सेना। ये तीन भागों में बटी हुई थी मराठाओं की। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि भूमि प्रशासनिक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम इसी 2019 में जो 18 में एग्जाम, 19 में जो एग्जाम हुआ था उसी में आपका पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? मुगल साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, मुगल वंश की सबसे छोटी, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई वो कौन सी थी? तो कहोगे प्रशासनिक इकाई ग्राम। क्या कहलाता था? ग्राम। प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी कौन सी थी? ग्राम। ये आपका एमटीएस एग्जाम 2019 एसएससी में एग्जाम डिट्टो क्वेश्चन पूछा कि मुगल सम्राट की सबसे छोटी इकाई प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। अब इसके बाद देखना भूमि विभाजन, जो भूमि विभाजन था यह भी चार भागों में। मुगलों की भूमि का विभाजन कितने भागों में? चार भागों में। कौन कौन सी देख लेते हैं। देखो एक कहलाती थी पोलज, एक कहलाती थी चाचर, परती पोलज, फिर परती, चाचर और बंजर, ये भूमि थी। तो भूमि थी तो भूमि का क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया क्या था? पोलज में होती थी नियमित खेती, नियमित खेती लिए होती थी यहां पे, यानी कि लगातार खेती होती थी, कोई भी समय खाली नहीं रहता था इस खेतों में, इस भूमि पे। परती में एक से दो वर्ष के अंतराल में खेती, या खेती कितने वर्ष के अंतराल में होती थी? एक या दो वर्ष के अंतराल में खेती कराई जाती थी। चाचर में तीन से चार वर्ष, तीन से चार वर्ष के अंतराल में खेती करवाई जाती थी, और यहां पे लगातार कोई खेती नहीं होती, लगातार यहां पे बंजर, बंजर का मतलब बंजर, यहां पे कोई खेती ही नहीं होती थी, तो इस पे टैक्स भी नहीं लिया जाता था, मुगल के राजस्व में यहां से टैक्स भी नहीं लिया जाता था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे हैं। बाकी हम क्वेश्चंस आपका जब मुगल पढ़ाएंगे, बाकी आपका जो मुगल सल्तनत पढ़ाएंगे 1526 से जब इसकी स्थापना होगी, तब हम आपको सारे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आपको सारी चीजें बता देंगे, है ना। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको क्या करिए, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में, फटाफट फटाफट ज्यादा से ज्यादा क्या करो,
शेयर करो। देखो अभी आपको देखो हमारे सारे वीडियोस आपको पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं, राघव सर के वीडियो, मैथ्स के वीडियो अम्बू सर के द्वारा आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, रीजनिंग की क्लासेस राघव सर आपको टाइम टू टाइम डे टू डे आपको क्या कर रहे हैं अपडेट करा जा रहा है, करंट की क्लासेस आपको डेली मॉर्निंग में 4:30-5 बजे आपके पास करंट की क्लास अवेलेबल हो जाती है। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप पूरे सेशन को देखिए, पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, यही आपका क्या सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि अभी आपके रिसेंट एग्जाम लगने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम आपके मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चन अभी से अगर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो सोच लो आपके पास समय नहीं है, समय आपका क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन आपका गुजरता जा रहा है, आपको अभी से क्या करना सारी चीजों की तैयारी करना। ओके थैंक यू क्लास।